लेकिन साहब जी बीबी जी का मुंह जल गया थी। हम मरे हुए थे सारे लोग, कहाँ कहाँ से आ गया तेजाब, उसके पास कौन लेकर आया था? वो तो जी किचन में पड़ा हुआ था जी। हाँ जी, ये नाली नूली खोलन के वास्ते रखा हुआ था जी। इतनी जली है वो, बीबी तो बच गई है जी, लेकिन उनका मुंह खराब हो गया जी, छींटे पड़ गए मुंह पे। आप ऐसा करें, उनकी हालत ठीक नहीं है साहब जी, जल्दी आए, उनको किसी अस्पताल लेके जाए जी। मेरे आने का कोई फायदा नहीं है, सबसे कीमती चीज तो उसने खुद ही तबाह कर दी अपनी। मेरी बात गौर से सुनो, सुन लो कि नहीं जी। उसे गाड़ी में डालकर किसी सरकारी हॉस्पिटल में फेंका हो, सुना तुमने? उसे किसी हॉस्पिटल के दरवाजे पर छोड़ा, हमारा उससे कोई वास्ता कुछ ताल्लुक नहीं था। और तुम लोग घर को ताला लगाकर गांव दफा हो जाओ, दफा हो जाओ गांव। किसी किस्म का केस कोई पुलिस वगैरह का चक्कर नहीं चाहता घर पर, सुना तुमने? दफा हो जाओ तुम लोग। समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया। अरे जाऊ रे, क्या कहा साहब ने, जल्दी से बता दे, मेरे को जल्दी बता दे। वो नहीं आ रहे रे, मेरी सोनी बीबी रे, मेरी जैनब बीबी रे, अपना चेहरा सार लिया रे, गच्चा पोया रे, झूला मोया रे, रे बीबी जैनब बीबी। चुप कर जा हाजरा, चुप कर जा। हम दोनों ना बीबी जी को अस्पताल लेके चलते हैं। हम अस्पताल लेके जाएंगे, चेहरा सार लिया रे। तुम चलो, मेरे से देखा नहीं जा रहा। चलो चलो चलो, अरे जैनब बीबी रे, अरे क्या करे, किधर जाए, किधर जाए। अरे जल्दी साहब, साहब को फोन कर रहे, साहब जी, अरे जैनब बीबी घेर में आ रही। मेरे गाएंगे कुछ, आप क्यों सुनेंगे कुछ, अपनी बताएंगे, छोटी छोटी खुशियों से लेकर बड़े बड़े इरादों तक, यहाँ वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। मैं हूँ पार मुस्तफा, मैं हूँ किरण, और हम आ गए हैं आपको जगाने। रहिए हर सुबह हमारे साथ और दीजिए जिंदगी को एक नया अंदाज। किसने फेंका है तेजाब तुम पर? बयान लिखवाओ, अपना नाम बताओ। देखो बीबी, खामोश रहने से काम नहीं बनेगा, जितनी देर करोगी ना नुकसान तुम्हारा ही होगा, मुजरिम कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिवनी। पेशेंट की ये कंडीशन नहीं है कि आपको जवाब दे पाए, हमें अपनी ड्यूटी करने दे। जब सही हो जाएगी तो आप बयान ले लीजिएगा, अभी आप बाहर जाए। सर खाना लगा दूं? नहीं। I am sorry. मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सोफिया, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना शर्मिंदा और कमतर कर दिया।
ऐसे मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। आप मुझे बुरा भला के सजा दो, प्लीज मुझसे खफा मत हो। बड़ा मान था मुझे तुम पर, इतना मान के उसके आगे वो मोहब्बत भी छोटी पड़ गई थी जो मेरे दिल में जहमत की गई थी। मैं समझता था तुम दुनिया में वो वाहिद हस्ती जो मैं अगर कहीं कभी गलत भी हुआ तो वो मेरा साथ देगी, कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलेगी। सुख की छांव, दुख की धूप, हर इम्तिहान, हर कड़े वक्त में सोफी तुम वो वाहिद हस्ती होगी जो कहेगी एहसन मैं आपके साथ। लेकिन नहीं, तुमने मुझे मायूस कर दिया। मैंने किसी को सहारा देकर उठाना चाहा और तुमने उसे वापस उस पस्ती में, उस कीचड़ में गिरा दिया। मुझे यकीन नहीं आता है कि तुमने ये सब अपने अरकान को देखा। अच्छा कम से कम अपना नाम तो बताओ, अपना घर या घर का कोई अता बताओ, कुछ तो बताओ। हम किसे दे तुम्हारी खबर? तुम बिल्कुल तुम हो और ये तेजाब किसने फेंका तुम पर? किसे बचा रही हूँ, अपने शोहर को या अपने किसी आशिक को? अच्छा घर कहाँ है तुम्हारा? कोई घर नहीं है, तुम्हारा ऐसे क्या बात है, आपने आज से पहले कभी मुझे इस तरह इग्नोर नहीं किया, वो भी ऐसी लड़की की खातिर जिसने आपको जिंदगी भर दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। सोफी, ज़ैनब ने हमेशा मुझे सिर्फ एक दुख दिया, बेतबारी का, और आज तुमने भी मुझे वही दिया। तो मुझ पर एतबार किया और खुद पर मेरा एतबार रहने दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया ऐसा? सिर्फ ज़ैनब को आपकी जिंदगी में दाखिल होने से रोक दिया, यही ना? नहीं नहीं, ना वो मेरी जिंदगी में दाखिल हो रही थी, ना मैं उसे शामिल कर रहा। ज़ैनब के हजार अंदेशों के बावजूद मेरे सामने मेरी बीवी को देखा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे किस्मत के लिखे को कबूल करना ही पड़े, और आज मैं खुले दिल से इस हकीकत को कबूल करती हूँ कि ज़ैनब की मोहब्बत आपके दिल से कभी कम हो ही नहीं सकती। कम नहीं हो सकी तो मिटने का क्या सवाल पैदा होता है? और जिस मोहब्बत को मिटाया नहीं जा उसका सहारा बन जाए, आप खुशी है, मुझे कोई एतराज नहीं है।
मैं आज के बाद से आपके और जैनब के दरमियान कभी भी नहीं। हाय रब्बा, अरे जहूर, कोई इतना चालिम होवे जितना अपना साबे है। और देख आजरा, वो जिसका खाते है ना उसके खिलाफ यूं जबान नहीं चलाते। अरे जहूर, मैं सच बोलती हूँ, अपनी बीबी बड़ी सोनी बीबी थी, ये सब ही गलत था जिसने उसे गलत रास्ते पे चलाया। फिर बीबी अपने चेहरे पे तेजाब नहीं डालती, अपना चेहरा नहीं सड़ाती, तो और की करती। हाँ हाजरा, तू समझती क्यों नहीं, और इस घर में रहना है ना तो अपनी आंखें खुली और जबान बंद रख। अपनी भी जबान बंद रख, हाँ नहीं तो अपनी जबान बंद कर। लगता है साहब आ गए। गाँव से कब लौटे तुम दोनों? कल रात आए जी हम दोनों। कोई आया तो नहीं था यहाँ पर? मेरे मतलब है पुलिस वगैरह? नहीं खाती ना, हमारे सामने कोई आया और ना पीछे। मैंने चौकीदार से पूछा भी था जी, उसने भी यही कहा कि कोई नहीं आया। जैनब का सामान था कि ताले लगाते हैं तो कमरे सारे खाली कर दिए थे। ठीक है, जब वो हॉस्पिटल से वापस आए तो उसे उसका सामान देकर भेज देंगे, उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, ये तलाक के कागजात फिलहाल उसके सामान में रखें, आएगी तो एक ही दफा देगी। ठीक, मैं चक्कर लगाता रहूंगा तुम्हें घर तक। ख्याल देखा देखा, मैं ना कहती थी इतना चालीम आदमी मैंने कभी नहीं देखा। और देखा आजरा, ये अपनी जबान बंद रखा कर, दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत ही अजीब लड़की हो, ना तो मुंह से कुछ बोलती हो और ना ही घर जाने में कोई दिलचस्पी ले, ना खाना ना पीना। हद तो ये है कि तुमने अब तक अपना चेहरा देखने की भी ख्वाहिश नहीं की। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो सबसे पहले अपना चेहरा देखती। तुम्हारा नाम क्या है? शुक्र है इतने दिनों में कम से कम तुमने किसी का नाम तो पूछा। सिस्टर, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये तो हमारा काम है। ऐसे मेरा नाम शुभुक्ता है। मेरा नाम जैनब है। अच्छा नाम है, लेकिन तुम भी बहुत खूबसूरत रही होगी, है ना? क्या अब भी तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे आज शाम को तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सिस्टर,
जी तो मेरा एक काम कर दो कि काम जैन बीबी वो तो यहाँ नहीं रहती जी, वो तो यहाँ से जा चुकी है जी। कहाँ जा चुकी है? हमें नहीं पता जी। वो रे जाऊ रे खामोश हो जा। बीबी जी मैं बतलाती हूँ, वो ऐसा हुआ ना कि वो जो जैनब बीबी है ना उसने अपनी शक्ल पे तेजाब डाल के चेहरा साड़ लिया जी। फिर ना साहब जी ने हमें का अस्पताल छोड़ कर आ, फिर हम अस्पताल छोड़ कर आए, फिर नहीं पता वो किधर गई है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? बीबी जी मैं ठीक ही कह रही हूँ, आप ढूंढ ले पता शता निकाले उनका। हाजरा तू खुद भी पिटेगी और मुझे भी पिटवाएगी। खामोश हो जा जबूरे, एक बार पिट लेने दे। हाँ नहीं तो। अच्छा मुझे ये बताएंगे कौन से हॉस्पिटल में गई थी वो? हमें नहीं पता जी। बतला। हेलो जी सिविल हॉस्पिटल। दरअसल मुझे जैनब नामी लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है जी। उन्होंने तेजाब से मुंह जला लिया था, आप मुझे बताइए कौन से रूम एडमिट है? जा चुकी है? कहाँ? ओके शायद इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार मैं हूं। ऐसे मैं तो खुद को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा हूं सोफी, सिर्फ खुद को। अपने सिवा मैं किसी को इल्जाम नहीं देना चाहता। उसे इस इंतहाई जहनी कैफियत पर लाने का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। मैंने उसे कहा और वो घर गुजरी गया। ऐसे उसे ढूंढे किसी भी तरह, कहीं पे भी उसे ढूंढे। उससे अपने चेहरे को दागदार नहीं किया है बल्कि अपने दामन पे लगे तमाम दागों को मिटा दिया है। कहां ढूंढो उसे, पता नहीं कहां गई होगी वो। अब वो किसी की आवाज पर मुड़कर नहीं देखेगी सोफी, किसी की आवाज पर भी। मैं उसे ढूंढूंगी, मैं उसे पुकारूंगी और अगर वो मुझे ना मिल पाई तो मेरा जमीर सारी उम्र मुझे मलामत करता रहेगा। ऐसे में जब भी अपना चेहरा आईने में देखूंगी मुझे अपना नहीं जैनब का चेहरा नजर आएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। काश मैंने उसे ये सब ना कहा होता। हाँ सरदार बोलो। व्हाट? बस ग्रेट, तुमने मुझे खुश कर दिया। तुम वाकई मेरे खास आदमी, तुम लेकर उसे बंगले पर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं तुम्हें खुश करने। तेरा ठिकाना यही है। क्या बात है सरदार, अरे कौन है? साईं की मेहमान है, खातिर करो इसकी, साईं भी आ रहे हैं। आप लोगों को खुदा का वास्ता मुझे प्लीज जाने दे, मुझ पे रहम करें प्लीज। जो कुछ कहना है साईं से कहना, किसे पकड़ना है और किसको छोड़ना है वही बता दे हमें, लेके जाए उसको अंदर कमरे में। ठीक है ठीक है, नहीं मुझे जाने दे प्लीज, देखे मुझे जाने दे, लेके जा। मुझे कहाँ लेके जा रही है? लेकिन मुझे जाने से प्लीज नहीं जाना।
क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। मैं खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो क्या खोई, मैंने तो सब कुछ खो दिया है। सर, आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपका एतबार, उसे आपसे दूर करना चाहती थी मैं। क्या पता था मुझे मैं आपको खुद से दूर कर रही हूं। एक बार कहीं मिल जाए, हाथ छोड़ कर कहूंगी उसे कि इस अधूरे शख्स को पूरा कर दो, जो ना तुम्हारा रहा और ना मेरा। चाहे अब ये किसी का भी हो जाए, लेकिन इसे पूरा कर दो, पूरा कर दो। मत डाल लो मेरा, तो काली जैसा लगता है तुम्हारे मुझे। और आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना, ना मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं और ना मैं तुम्हारा वो दुकान जैसा चेहरा देखना चाहता हूं। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें अपने आप से शर्म महसूस होना, तो रमला की तरह खुदकुशी कर लेना। और अगर जिंदा रहने का इतना ही शौक है ना, तो अपना चेहरा बिगाड़ लेना, ताकि लोग तुमसे नफरत करें और तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी ना देखें। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ खाऊंगी? मेरी समझ में नहीं आता, आखिर तुम जिंदा किस चीज पर हो? सिर्फ एक उम्मीद पर, शायद मैं घर वापस जा सकूं और अपनी पूरी उम्र सुकून से गुजार सकूं। क्या सिकंदर तुम्हें घर के कागजात दे दें? पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। अगर सिकंदर तुम्हें घर के कागजात और चाबी दे दे तो ठीक है, वरना तुम यही रहना मेरे पास हॉस्टल में। बहनों की तरह रखूंगी तुम्हें। मैं अक्सर सोचती थी कि ये दुनिया कब तक क्यों चल रही है, ये आसमान क्यों नहीं फट जाता, कयामत क्यों नहीं आ जाती? इस दुनिया में सिकंदर जैसे जालिम लोग कब तक लोगों की जिंदगियों को खेल बनाते रहेंगे? तबाह क्यों नहीं हो जाती? तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ शगुफ्ता, कि इस दुनिया में सिर्फ सिकंदर जैसे जालिम लोग ही नहीं है, तुम जैसे हमदर्द लोग भी बसते हैं। और तुम ही जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। अच्छा, बस बस, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अरे, मसीहाओं को भला कौन शर्मिंदा कर सकता है? तुमने मेरी बहुत मदद की है शिगुफ्ता, चाहकर भी तुम्हारे एहसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, और इसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने स्टाफ से तुम्हारी बात की है, नर्सिंग स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, और फीस वगैरह की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। बस तुम दिल लगा के अपना कोर्स कम्प्लीट करो, उसके बाद तुम्हें जॉब दिलवाने में भी मदद करूंगी मैं, इंशाल्लाह। थैंक यू शगुफ्ता, थैंक यू सो मच। कोई बात, चलो अब रात बहुत हो चुकी है, आराम करो।
पिटी ऑन यू। एक पागल औरत ने तुमसे कुछ उल्टा सीधा कहा और तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए निकल पड़े। तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी मिजरेबल कंडीशन देखकर। सिकंदर, सिकंदर प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और ना ही आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि कौन सही है कौन गलत है, बट आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। जाने दूं तुम्हें जाने दूं, और वो जो तुम पर मैंने इतना इन्वेस्ट किया है वो हूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बाय द वे, मैंने बेसहारा औरतों के लिए कोई फलाही अदारा नहीं खोल रखा, क्लियर? अब आंसू बंद करो और अपना मुंह धो कर आओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि अपने नए बंगले में तुमने अपने शब और रोज कैसे गुजारे। दीदी जी आप? हाँ, कुछ सामान रह गया मेरा, वो लेने आए। ठीक है, 15 ठहरे, मैं साहब से पूछ लेता। साहब जी, नीचे जैनब बीबी जी आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। मैं तुम्हें एक खास मेहमान से मिला, उसे देखकर तुम्हारे ये आंसू खुद ब खुद खुश्क हो जाएंगे। कहा देखो तो ये आखिरी दाव कैसा खेला है तुमने। इतनी किरायत मत दिखाओ सिकंदर, तुम्हारा चेहरा इससे कई ज्यादा भयानक है। कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? कितने खालिस मकरू और बिहानक चेहरे के मालिक हो तुम। शट अप, जस्ट शट अप। अपना सामान उठाओ और इस खराब चेहरे और अच्छे फलसफे के साथ दफा हो जाओ यहां से। फिर मैं देखता हूं कि ये चेहरा और ये फलसफा कितने दिन पेट भरता है तुम्हारा। फिर का चेहरा याद ना आया ना तो कहना मुझे, समझी तुम? मैं तो तुम्हें बोलूंगी नहीं सिकंदर, याद करने का सवाल कहां से पैदा हो गया? सुना था कि जहन्नुम में लोगों को अज़ियतनाक सजाएं दी जाएंगी, लेकिन मुझे मुझे तो तुम्हें याद रहने की सजा दुनिया में ही मिल गई है। जरूर उसका सामान इसके हवाले करो, उसको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देना। सिकंदर, मुझे भी इसके साथ जाने दो। चलो सिकंदर, मेरा हाथ छोड़ दो। कम वेद नहीं, प्लीज सिकंदर, मुझ पर रहम करो। मुझे उसके पास जाना है सिकंदर। मेरे साथ आओ तुम। मुझे उसके पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। चलो ऊपर आओ। सिकंदर मुझे जाने दो।
मैं कहता हूँ मेरे साथ आओ। रुक जाओ सिकंदर। ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये खतरनाक चीज है जैनब। ये मुझे तो जाओ समर, जहां जाना चाहती हो जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जाओ।